हेलो फ्रेंड, चलिए आज हल्दी का हलवा बनाते हैं। उसके लिए मैंने 250 ग्राम हल्दी ली हूँ, 250 ग्राम मीठा है इधर जी, काजू, कागजी बादाम और किशमिश। अब इधर मेरा घी गर्म हो गया है, मेरा घर का घी है और इसको फ्राई की हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा ही अब इसमें सारी हल्दी डालकर फ्राई करेंगे, वो बहुत टेस्टी बनेगा। और ये सारे सर्दियों में घुटनिया का दर्द और ये सर्दी जुकाम होता है ना, सारे से ही खाने से सारे एनर्जी मिलता है, जिससे एक सर्दी को मजबूत करता है। शरीर को घुटने में दर्द हो, हाथ में हो, तो सारे दर्द को दूर करता है। इसको हल्दी का हलवा ठंडे वाले मौसम में, इसका सीजन भी हल्दी का रहता है ना, तो इसको जरूर खाना चाहिए। इसको घी में भूंजेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे। घी छोड़ने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा आगे का प्रोसेस आने की तारीख में चलिए देखते हैं। धीरे धीरे तेल छोड़ने लगा है, सर्दी जुकाम एक डेली थोड़ा सा 2 चम्मच खा लेने से नहीं होता है, घुटने का दर्द भी ठीक रहता है। देखिए अपने तेल छोड़ने लगा, तेल सॉरी फ्रेंड घी छोड़ने लगा। आप तेल में भी बना सकते हैं, जो सरसों का तेल आता है ना तेलू वाला, उसमें मार्केट वाला भी नहीं ठीक होता है, उसमें मिलावट रहता है। ये मीठा को फोड़ कर डालेंगे और 2 चम्मच बेसन, उसको घी में फ्राई करके, मैं पहले ही फ्राई करके रखी हुई इसलिए फ्राई अभी नहीं की। जैसे आप लड्डू बनाते हैं ना बेसन वाला, उसी तरह से उसको भी फ्राई कर लेना है और इसमें डाल देना। चारों बगल से घी छोड़ने लगा है, मैं 2 चम्मच ही घी डाली हूँ खाने वाला स्पून से। मेरा 250 ग्राम हल्दी है, ये बन के तैयार कम से कम 1 kg से हो जाता है। हाँ, 250 ग्राम मीठा पड़ेगा। ये काजू है 150-200 ग्राम में हो गया और 2 चम्मच हो रहा था 100 ग्राम पर वह चना का बेसन हो गया, घी हो गया, सब डालकर 250 ग्राम में 1 kg बनकर तैयार हो जाता है। हल्दी का हलवा बनाइए या लड्डू बनाइए, कोई भी चीज़ इसको बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग तो इसको हलवा ही बोलते हैं। जिनको बच्चा छोटा है उनके लिए तो एक बहुत फायदेमंद चीज़ है, जिनको बच्चे को माँ को दूध नहीं होता है बच्चे का, उनको ये खिलाने से और इसके बाद 1-2 चम्मच खा लीजिए और 1 गिलास दूध पी लीजिए।
चलिए इसी दौरान ना देखिए चारों बगल से घी छोड़ने लगा ना, अब इसी दौरान ना मीठा डाल देंगे। चीनी में बनाते हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है, मीठा में ही ये फायदेमंद हलवा बनकर तैयार होता है। अब इनको हम इसी दौरान इसी तरह से चलाकर साड़ी को पिघला देंगे। इस समय हम स्लो आंच पर ही इनको पकाएंगे। इस तरह से पकाने से और जितने घी हैं सारे छोड़ देंगे। आप इसको फिर दूसरे हलवा में डाल सकते हैं, जब दूसरी बनाइएगा ना उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो जिनको खाना है वो खा सकते हैं। कैसे चारों बगल से घी छोड़ रहे हैं, ये सारे घी इकट्ठा हो जाएंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, ये सारे मिठाई सी में घुल गए। थोड़ा सा हम इसको सुखाएंगे, फिर उसी तरह से इसमें से घी छोड़ देंगे। आज इसमें खोया भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा दूध डाली हूँ, खोया नहीं डाली हूँ, मेरे पास खोया नहीं था इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। छाली थोड़ा सा डाल दें, अब इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। ज़्यादा होने से फिर उसी तरह से घी छोड़ने लगेगा, जो मीठा डालें उसका थोड़ा चाशनी बन जाएगा, सुनापन ज़्यादा आ जाता है मीठा में, और मीठा सेहत के लिए फायदेमंद भी है। आप इसको एक बार बनाकर रख दीजिए कोई जार में ठंडे होने पर, और महीने भर आराम से खाइए, खराब नहीं होता। चलिए मैंने इसको मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा कर लिए हैं, अब इसको इसी दौरान डालकर इसको भी थोड़ा सा भूनना क्या मिला लेंगे। अभी बनकर हलवा आपको तैयार हो गया, साबुत रह गया, इसको हम बनकर तैयार हो गया। ये देखिए चारों बगल से फिर एक ही छोड़ने लगा, ठंडे होने पर कोई भी शीशा वाला जार में, स्टील वाला में, कोई भी चीज में आप रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिज में रखिएगा तो थोड़ा सा गर्म कर खाना पड़ेगा, और ऐसे रखिएगा तो ऐसे ही खाइएगा, क्योंकि ठंडे का मौसम है। आप इसको कोई बर्फी का आकार भी दे सकते हैं, इसका लड्डू भी बना सकते हैं, ठंडा होने पर ये लड्डू बन जाएगा। देखिए कितने प्यारे लगे, खाने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है, ये सारे बच्चे बुजुर्ग सब खा सकते हैं, सबके लिए सेहत के लिए खजाना है।